समाज सुधार, जागृति और विकास के प्रयास हर हाल में होना चाहिए, चाहे कोई भी समाज हो। सुधार, जागृति, विकास हमेशा के लिए आवश्यक होता है। फिर तो हमारी किस समाज तो किस समाज ही है, और ज्यादा से ज्यादा प्रयास की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि किस समाज आज भी विकास से, मुख्य धारा से बहुत दूर है। यदि कारण हमें जानने तो बहुत से हो सकते हैं, पर मूल रूप से यदि जाने तो किस समाज में उतने सकारात्मक, सृजनात्मक और रचनात्मक प्रयास नहीं किए गए उतने की आवश्यकता थी। वहीं किस समाज के उत्थान और विकास के लिए आज युवाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ कर लेने में सफलता हासिल की है। वहीं सिवनी, मालवा, होशंगाबाद में किस समाज ने वाहन रैली निकाल कर शक्ति प्रदर्शन किया। साथ ही किस समाज ने तृतीय नशा मुक्ति अभियान की वर्षगांठ मनाई। सिवनी में हजारों समाज सेवी के बीच विशाल वाहन रैली निकाली गई। राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के संयोजक श्रीमान कोमल सिंह जी बाणिया, भागीरथ जी दायमा, ललित पीर और इस अभियान से जुड़े सभी समाज बंधु के वरिष्ठ समाज सेवी, समाज को नई दिशा की ओर अग्रसित करने वाले युवा नशा मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश की पूरी टीम ने तृतीय वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मनाया। नशा मुक्ति अभियान के शुभ अवसर पर मालवा, सिवनी, होशंगाबाद में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम एवं परिचय सम्मेलन का सफल आयोजन पर सभी को बहुत बहुत बधाई दी। किस समाज के विशाल आंदोलन 2019 आरक्षण महत्वपूर्ण योगदान रहे, इस पर भी विचार व्यक्त किए। शीघ्र ही किस समाज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ा निर्णय लेने वाला है, ताकि भविष्य में किस समाज के होनार बालक बालिकाओं के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने के लिए समाज की अहम भूमिका होगी। दीपालपुर से प्रभुलाल कीर की रिपोर्ट। समाज के द्वारा प्रदेश स्तरीय नशा मुक्ति अभियान की इस रैली और रैली के बाद इस सभा में उपस्थित हमारे कीर समाज के अध्यक्ष सरल सहज और चिरपरिचित साल में दो चार बार मिल जाते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय भागीरथ प्रसाद जी दायमा जी की समाज जो आज इस मुकाम तक पहुंची है, जो समाज की समाज के लिए ही नहीं, नशा मुक्ति के क्षेत्र में, नशा मुक्ति अभियान के क्षेत्र में अन्य समाज के लिए भी उदाहरण बनी है। ऐसी पूरी समाज के संरक्षक आदरणीय जेपी कीर साहब, ऐसे कीर समाज जी के प्रभारी जो रिटायर कमिश्नर रह चुके हैं, ऐसी ऐसी हस्तियां कीर समाज को आगे बढ़ाने के लिए, संगठित करने के लिए, सुसंस्कृत बनाने के लिए लगे हुए हैं। आदरणीय कोमल सिंह जी वानिया जो प्रभारी हैं इस नशा मुक्ति अभियान के, ये भी कमिश्नर हैं आरएएस के। आदरणीय हमारे ललित जी जो गिर समाज के सचिव हैं, आदरणीय राम प्रसाद जी महामंत्री जी जो कीर प्रभा पत्रिका है उनके संपादक भी हैं, देवासे मान सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष जी उज्जैन से, सूर्य अध्यक्ष राज्य जिला, रमेश कुमार जी हमारे संगठन मंत्री और जो संचालक, जो भी इस कार्यक्रम के संचालक हमारे चिरपरिचित शिवनी विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले शिक्षक हैं,
आदरणीय रमेश कुमार जी, लखनलाल जी समाज सेवी, भागीरथ जी कोठरा, हमारे चंद्र सिंह जी जिमावर, धन्यालाल जी कलवी, कमल सिंह जी नारकोला, लक्ष्मी नारायण जी गाड़ीपुरा, राजेंद्र जी हमारे जितने सदस्य रानीपुर, मोहन सिंह जी रसुल्लागंज और श्रीमती रामपति जी नायक जो सीहोर जिले से हैं और नशा मुक्ति अभियान की महिला विंग की प्रभारी हैं। भाइयों, आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन वंदन प्रणाम। समाज को उत्थान के लिए लगी हो, जिस समाज को संकुचित करने के लिए लगी हो और जिस समाज को नशा मुक्त करके संस्कृत सुसंस्कृत और सभ्य बनाने के लिए लगी हो, मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि कीर समाज एक दिन सभी समाज में अग्रणी होगा, नशा मुक्त होगा और सभी समाज के लिए उदाहरण बनेगा, मुझे पूरा विश्वास है। अभी हमारे आदरणीय संचालक रमेश जी कह रहे थे कि आपका भाषण करवाने जल्दी है, बिल्कुल नहीं जल्दी नहीं है। मैं भी किसी समाज का पदाधिकारी हूँ, मैं 25-30 साल तक लोबंसी समाज का प्रदेश अध्यक्ष रहा, अब राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। चूंकि कीर समाज में क्या चल रहा है, कौन सी अच्छी बातें चल रही हैं, वो सब मुझे सुनना है, समझना है, ग्रहण करना है और ग्रहण करके अपने समाज में भी लागू करना है। ये सब चीजें हमें शेयर करना चाहिए। हम लोबंसी समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या अच्छी बातें हैं और वो अच्छी बातें यदि लोबंसी समाज के लिए हैं तो क्या कीर समाज के लिए भी वो अच्छी बातें हो सकती हैं। अगर अच्छी हैं तो उनको जरूर स्वीकार करना चाहिए, तभी हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। आज के रैली तो हमारी नशा मुक्ति अभियान के तहत रैली है, लेकिन समाज के इतने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण लोग, हमारी माता बहनें भी इतनी संख्या में उपस्थित हैं, मुझे बड़ा हर्ष है और बड़ा गौरव है कि कीर समाज की सभा में हमारी माता शक्ति इतनी अच्छी संख्या में उपस्थित है। ये होना चाहिए, होना चाहिए। ये अन्य समाजों से भी प्रेरणा लेके हमने अपने समाज में भी समाज का की महिला विंग की स्थापना की है, अभी इसी वर्ष की है। ये होना चाहिए क्योंकि हम जो हमारी संख्या की आधी संख्या मातृशक्ति की है, उनकी हम अवहेलना नहीं कर सकते, उनको हम अलग करके नहीं जा सकते, उनको हर अभियान में शामिल करना पड़ेगा, उनको सबके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा, तभी पूरे समाज की उन्नति प्रगति होगी, तभी समाज आगे बढ़ेगा। साथियों, चूंकि अभी युवक युवती परिचय सम्मेलन भी है और भी आपके सामाजिक कार्यक्रम है, इसलिए कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय आएगा और अपन समय समय पर बातें करेंगे। जैसे नशा की बात आज एक प्रमुखता से सभी लोगों के द्वारा कही गई और सब अच्छे से समझाई गई कि नशा करने से क्या नुकसान है हमारा, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे प्रदेश का, ये सब अच्छे से समझाई गई। ये सारी बातें आप समझ लीजिए कि नशा करने में सबसे पहले तो पैसे खर्च होते हैं कि नहीं होते हैं बताएं, और अच्छी मात्रा में खर्च होते हैं। 71 एकड़ जमीन में से 70 एकड़ चली गई, 1 एकड़ बची है ना। ये अभी उदाहरण दिया था हमारे आदरणीय समाज के हमारे प्रतिनिधि ने, तो पैसे तो पहले खर्च होते ही हैं और पैसे खर्च होकर आदमी बर्बाद भी हो जाता है। पैसे खर्च करने के बाद में हम होश हवास में रहते हैं क्या, पता है? जो आदमी पैसे खर्च करके दारू पीता है वो होश हवास में रहता है क्या, बताएं आपको? होश हवास होने के लिए ही तो दारू पी जाती है, तो होश हवास तो नहीं रहता है, पैसे भी खर्च किए, होश हवास भी खोए, और होश हवास जब आदमी खोता है तो नाले में पड़ा मिलता है कि नहीं मिलता है, बताएं? मिलता है तो नाले में भी पड़े मिले तो इज्जत भी गई,
पैसे भी गए, होशवाद भी गए, इज्जत भी गई, तो ऐसा काम अच्छा काम है क्या? करने योग्य है क्या? करना चाहिए क्या? बताएं आपको, करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना? तो ये काम कि ये सब बातें सुन के, इस कान से सुन के और इससे तो नहीं निकाल रहे। समाज प्रगति के पथ पर तभी बढ़ता है जब समाज के सभी लोगों के द्वारा तय संकल्प लिया जाता है कि हम ये काम नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। आप सब जो जन संकल्प लेने के लिए तैयार हैं कि आज से भी हाथ लगा के संकल्प लो कि आज के बाद